भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे की बाल विद्या मंदिर की छात्राओं ने मांडल थाने का भ्रमण किया। इस दौरान बालिकाओं ने थाने के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ली और कैदियों को बैरक में रखते हुए भी देखा। इस दौरान बालिकाओं ने थाने की क्रियाकलापों को समझा और कैदियों को रखने के बैरक भी देखे। भ्रमण करने आई छात्राओं में पुलिस के प्रति विश्वास का भाव बढ़ाए। मांडल थाना प्रभारी यशवंत सिंह का कहना है कि बच्चियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाते हुए पुलिस से नहीं डरने की भावना को जागृत किया गया। उन्हें अपने मित्र के रूप में बताया गया कि उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो वह पुलिस को अवगत करवा सकती हैं, जिससे कि बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली के बारे में सभी कर्मियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यालय की शिक्षिका मीना जोशी का कहना है कि बच्चियों के मन में जो पुलिस के प्रति भय व्याप्त होता है उसे दूर करने हेतु यह नवाचार किया गया है, जिससे कि वह पुलिस की कार्यप्रणाली समझें और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होने से नहीं डरें। इसके साथ ही उन्हें महिलाओं के प्रति बने कानून के बारे में भी समझाया गया। हमने यहाँ पे देखा सब जो पुलिस होते हैं कैसे उनका मतलब उनकी वो होती है मतलब अपनी अपनी नौकरी और वैसे मतलब उनको यहाँ से मतलब छुट्टी नहीं मिलती और है ना कैसे वो सब कार्यवाही करते हैं यहाँ से फिर भीलवाड़ा अजमेर जो भी उनके बड़े उनसे ऊपर वाले होते हैं उनकी तरफ उनकी वहाँ पे जाते हैं और अगर हमको भी कभी मुश्किल होगी या फिर कुछ होगा तो हम 100 112 पे कॉल करके यहाँ पे बताएंगे, उसके लिए तुरंत यहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी और हमारी जो प्रॉब्लम होगी उसका हो जाएगा सोल्यूशन समाधान। हवाला दिखाए जिसमें महिला हवाला अलग है और पुरुष के लिए हवालात अलग है, उसमें मतलब 24 घंटे के लिए इनको रखा जाता है। हमने बहनों को भंडार कक्ष भी दिखाया और उसमें मतलब उनके भंडार में मतलब क्या क्या सामग्री रखी जाती है वो बताइए। बहनों को कानून के बारे में समझाया गया कि मतलब किस तरह से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से अपन पुलिस का सहयोग ले सकते हैं और हम मतलब पुलिस को हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम इसकी सूचना पुलिस को दे करके हम पुलिस का सहयोग पूरी तरह से हम ले सकते हैं। आज बाल विद्या मंदिर के बच्चों का पुलिस थाने से रूबरू करवाया गया, पुलिस थाने की कार्यप्रणाली के बारे में उनको समझाया गया, साथ ही बच्चों को पुलिस से नहीं डरने के बारे में भी समझाइश की गई। पुलिस बच्चों के एक मित्र के रूप में काम करती है, यदि किसी भी बच्चे को स्कूल के बाहर कोई परेशान करता है, छेड़छाड़ करता है और अन्य कोई भी बात उनका पीछा करता है तो वो तुरंत उस इस घटना की जानकारी अपने टीचर को दें और टीचर से कहें कि वो पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करें ताकि वो निर्भय होकर के स्कूल आ जा सके और अपना पढ़ाई में ध्यान लगा सके।